हाँ चलो लिखो बेटा। अब आज हम लोग करेंगे यूनिट 7 कॉन्टिंजेंट एसेट एंड लाइबिलिटी। नाम लिखिए इसका, कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लिखना शुरू करिए। और बेटा डिटेल में नेक्स्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोग करोगे इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। कौन सा? ठीक है, वही है कॉन्टिंजेंट एसेट और लाइबिलिटी में। जो वहां लिखा है सेम चीज यहां आपके सिलेबस में दी है, बस उसमें एएस का नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप लोग AS 29 ही पढ़ने जा रहे हो। मतलब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कहाँ लिखी जाती है, कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है, ये सब चीजें लिखिए जरा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्रोविजन, हेडिंग बनाइए। पहली हेडिंग लिखिए सब लोग, कंसेप्ट वन मीनिंग ऑफ प्रोविजन। कंसेप्ट वन मीनिंग ऑफ प्रोविजन लिखिए। कंसेप्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, प्रोविजन शुड बी प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, कंडीशन वन में लिखिए, एन एंटिटी शुड हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट इसी में आगे लिखिएगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बी लीगल, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बी कंस्ट्रक्टिव। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बी लीगल, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बी कंस्ट्रक्टिव। उसी के नीचे लिखिएगा, लीगल मीन्स ऑपरेशन ऑफ लॉ लीगल मीन्स ऑपरेशन ऑफ लॉ, कंस्ट्रक्टिव
मीन्स कमिटमेंट बाय एंटिटी कमिटमेंट बाय एंटिटी आगे लिखिए कंडीशन टू लिखिए कंडीशन टू में इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो इन फ्यूचर डेट ड्यू टू सच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसी के नीचे लिखेंगे प्रोबेबल मीन्स लाइकली टू ऑकर आगे लिखिए कंडीशन थ्री इसमें लिखिए द एंटिटी हैज एन द एंटिटी हैज अ रिलायबल एस्टिमेट फॉर द आउटफ्लो Reliable estimate for the outflow. नीचे लिखिए summary. Summary में पहला present obligation. अगला लिखिए past event. अगला लिखिए probable outflow. और प्लस रिलायबल एस्टिमेट इक्वल्स टू प्रोविजन आगे लिखिए एग्जाम्पल लीगल ऑब्लिगेशन प्रोविजन फॉर केसेस against the firm provision for smoke filter which are to be installed और नीचे लिखिए कंस्ट्रक्टिव
constructive provision for warranty provision for guarantee provision for guarantee इसी के नीचे लिखेंगे additional points additional points additional point में लिखिए पहला point the entity should review the amount of provision at the end of each year on the basis of probability of outflow second point likhiye the entity should not create provision for operating losses third point the entity should provide long term provision at present value the entity should provide for onerous contract liability चलो यहां तक लिख के बताओ एक्सप्लेन करें फिर अगला पॉइंट आए
चलो हो गया। अब सामने देखिए सब लोग, देखो बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ये चैप्टर। देखो अब इससे पहले हम लोग को पढ़ना होता है प्रोविजन के बारे में। पहले प्रोविजन पढ़ोगे, फिर कॉन्टिंजेंट एसेट, फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और यही सब कुछ लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। कहाँ लिखा है? तो इनडायरेक्टली ये सब सारा कंटेंट AS 29 का ही है, आपके पास दे रखा है, बस उस पर नाम नहीं लिखा है। तो अब एक एक करके सुनना। देखो आपने ये पढ़ा है प्रोविजन बनाया जाता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में सुना है, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाते हैं, ठीक है ना? उसी सबको अब यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब पहला, सबसे पहले प्रोविजन क्या होता है? सबसे पहली हेडिंग है प्रोविजन, तो जरा देखो प्रोविजन क्या होता है। पहली हेडिंग है प्रोविजन। देखिए बेटा हमारा AS कहता है, खूब ध्यान से ये बात सुनना, हमारा AS कहता है अगर ये चार बातें हैं 1, 2, 3 एंड 4, अगर किसी इवेंट को लेके ये चार पॉइंट हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर चीज का प्रोविजन बना लेना चाहिए। देखो अभी तक क्या होता था, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें होता है ना कि इतने की प्रोविजन बना लो, प्रोविजन बना देते हैं। कभी ये नहीं दिमाग लगाया ना प्रोविजन बनाया क्यों जाता है, कैसे बनाया जाता है। देखो अब तो क्या कहा मैंने, अगर हमें प्रोविजन बनाना है तो चार बातें पूरी होंगी तब हम प्रोविजन बनाएंगे। मतलब ऐसे परमिशन नहीं है कि किसी भी चीज का कभी भी प्रोविजन बना लो, अगर ये चार कंडीशन पूरी होगी तो ही प्रोविजन बनेगा, चार में से एक भी मिस है आप प्रोविजन नहीं बना सकते। आई बात समझ में? क्या क्या है कंडीशन जरा देखना। सबसे पहला देखो यहां पे लिखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन शुड बी प्रोवाइडेड बाई एन एंटिटी। प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन बनाना, प्रोवाइडेड मतलब कभी कभी याद करो तो लोग फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन लगाते रहते हो, उसमें होता है डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड, प्रोविजन शुड बी, तो जब प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, प्रोविजन बनाना, ठीक है? तो अब यहां पे लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है प्रोविजन तब बनाना चाहिए जब ये चार कंडीशन पूरी हो जाए। क्या क्या? पहली कंडीशन ये देखो, चारों की समरी ये है, इसी पे मार्क्स मिलेंगे जब ये कीवर्ड लिख के आओगे। पहली कंडीशन क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या है बेटा? दूसरा है पास्ट इवेंट्स, तीसरा है प्रोबेबल आउटफ्लो, और चौथा है रिलायबल एस्टिमेट। क्या क्या बताओ? पहली कंडीशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी प्रोबेबल आउटफ्लो, चौथी जब ये चारों पूरा होगा तभी आप प्रोविजन बना सकते हो। आओ समझते हैं एक एक करके होता क्या है। तो ये देखो सबसे पहले पहली कंडीशन है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या चीज है बेटा? ड्यू टू पास्ट इवेंट। ये देखो एन एंटिटी शुड हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्या बोला मैंने? पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तब वो अपना प्रोविजन बना सकते हैं। अब मैं समझाता हूं, जरा इधर देखो स्क्रीन पे। देखो जैसे मान लो बेटा, मान लो ये एक कंपनी हो गई सैमसंग, ये एक कंपनी है सैमसंग। अब मान लीजिए सैमसंग कंपनी का किसी कोई मिस्टर एक्स ने एक प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट निकल गया डिफेक्टिव, कंपनी ने गारंटी वारंटी दी थी लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे उस पर, तो क्या किया इसने, मिस्टर एक्स ने उठा के कंज्यूमर फोरम में इनके ऊपर केस डाल दिया, केस डाल दिया, समझ आए? अब मिस्टर इस पे सैमसंग कंपनी पे ये नौबत आ गई है कि ये केस हारने वाले हैं, ऐसा इनके एडवोकेट्स को लग रहा है, जो इनकी तरफ से एडवोकेट्स हैं, समझ आए? अब बताओ, अब और जिसकी वजह से इनको कुछ कुछ पैसे कंपनसेशन पे करना पड़ जाएगा, किसको? मिस्टर एक्स को, समझ आए ना? तो ये इसका प्रोविजन बना लेंगे। अब देखो इसमें सब कुछ हो रहा है, नंबर एक पास्ट इवेंट, मिस्टर एक्स को पहले माल बेचा था, बोलो, जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आज एक लाइबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, समझ आया ना? और जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट किया जा सकता है। मैंने चारों बता दिया, क्या बोला मैंने? पास्ट इवेंट्स हो रखी है जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का
आउटफ्लो होगा जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो ही हम प्रोविजन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अब ये देखो यहां पे लिखा है पहली कंडीशन में द एंटिटी, पहली कंडीशन में द एंटिटी शुड हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। पहले माल बेचा था एक्स को, वो खराब निकल गया तो उसने मुकदमा कर दिया, अब आज हारने की नौबत आ गई है, आज पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, अभी ये जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं अभी ये नहीं समझाया, इसको छोड़ो, अभी इस पे बाद में आएंगे। अब बताओ पहली कंडीशन क्या है, बोलो सब लोग, पहली कंडीशन क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है ये? अच्छा, अब दूसरा है जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउट, ये देखो, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो इन फ्यूचर डेट ड्यू टू सच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज जो मुकदमा चल रहा है इसकी वजह से आज फैसला नहीं आएगा, भविष्य में आएगा लेकिन हमारे अगेंस्ट आएगा, ऐसा सैमसंग वालों को लग रहा है। तो अब क्या होगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, या तो कंज्यूमर फोरम वाले नया प्रोडक्ट दिलवा दें या पैसे दिलवा दें, व्हाटएवर, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हुआ। ठीक है, आउटफ्लो हुआ और द एंटिटी हैज रिलायबल एस्टिमेट फॉर आउटफ्लो। इसका मतलब बेटा जो सैमसंग कंपनी है उनको कितना पैसा देना पड़ेगा वो उसका एस्टिमेट कर पा रहे हैं, उसके अंदाजे लगा पा रहे हैं। उनके जो एडवोकेट्स हैं उनका तो काम ही यही है, ऐसे केस आते रहते हैं तो वो लोग बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतने पैसे देने पड़ेंगे। समझ आए? जब अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे तो कैसे प्रोविजन बनेगी? समझ आई बात? जब ये पूरा होगा देन यू कैन क्रिएट अ प्रोविजन। बोलो क्या क्या कीवर्ड्स हैं? सबसे पहले क्या होनी चाहिए? ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, जिसको हम रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रोविजन हो गया। समझ आए? और ये देखो यहीं पे अभी कॉन्टिंजेंट भी समझ जाओगे। ये देखो, चलो आखिरी में क्या क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट्स प्रोबेबल आउटफ्लो। बेटा सबसे आखिरी में क्या लिखा है इक्वेशन में, सबसे आखिरी में क्या लिखा है इक्वेशन में? रिलायबल। अगर ये ना हो, ये तीनों हो, तो इसी को कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। पहले वाले तीनों हो लेकिन आखिरी वाला, तो क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट। बस हमें ये पता होता है कि पैसे देने पड़ेंगे, एग्जैक्टली कितने देने पड़ेंगे हम वो लिख नहीं, कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो जब पैसा ही नहीं पता है तो बुक्स में लिखोगे क्या? इसीलिए क्या बोला गया है, बैलेंस शीट के बाहर लिखो फुटनोट में, किसको? अब प्रोविजन पक्का हो गया तो कहते हैं इसको ले जाओ पीएल में लिख लो। समझ आए? अब बताओ कब प्रोविजन बनाओगे? पहली कंडीशन क्या है बोलिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू, जिससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, और जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी का प्रोविजन बनेगा। कोई डाउट? अगली बात सुनो, अब ये देखना ये टेक्निकल हो रहा है। देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दो टाइप की होती है, क्या बोला मैंने बेटा? लीगल और कंस्ट्रक्टिव। बोलो क्या क्या बोला? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दो टाइप की होती है, पहला, दूसरा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनना, जब कहीं पे भी पढ़ते टाइम पूरे अपने कोर्स में लीगल वर्ड आ जाए तो लीगल मीन्स रिलेटेड टू लॉ, लीगल मीन्स रिलेटेड टू, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कमिटमेंट बाई एंटिटी, कंस्ट्रक्टिव का मतलब। ठीक है, अब सुनना खूब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, देखिए मेरी तरफ। जैसे बताओ जो मैंने एग्जाम्पल लिया, कंज्यूमर फोरम वाले अगर सैमसंग कंपनी के अगेंस्ट, कंज्यूमर फोरम वाले अगर सैमसंग कंपनी के अगेंस्ट अपना फैसला सुनाते हैं, तो अब ये क्या हुआ, सैमसंग कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो ये उनके ऊपर क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये फैसला किसने सुनाया? कोर्ट ने सुनाया ना, तो कानून की वजह से ऐसा है, तो इसको बोलेंगे लीगल। क्या बोलोगे इसको? लीगल। समझ आया ना? अच्छा, दूसरा ऐसा भी होता है कि सैमसंग कंपनी अपनी बातों में फंस जाती है। अपनी बातों में फंसने का मतलब क्या है? देखो जब हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो लोग गारंटी देते हैं। ठीक है, अब मान लो आप कोई प्रोडक्ट परचेज करके आए और खराब हो गया, तो अगर गारंटी है तो वो रिप्लेस करेंगे कि नहीं, या उसको ठीक करके देंगे? फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। एक बार और बेटा, गड़बड़ हो गया। देखो अगर सैमसंग कंपनी ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया, उसकी गारंटी ले ली, क्या ले ली, या वारंटी ले ली, या रिफंड के बारे में कह दिया कि खराब होगा तो वापस पैसे ले जाना,
तो आप बच्चे बताओ, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट आप सभी को सेल किया और मैंने सबको प्रॉमिस किया है गारंटी वारंटी एंड रिफंड। मान लो 1 करोड़ की सेल आपको करी है, तो ये पूरा 1 करोड़ मैं पीएल में लेके तो जाऊंगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में, लेकिन इस 1 करोड़ में कुछ लोगों के प्रोडक्ट खराब हो सकते हैं, तो मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं? तो मुझे उसकी प्रोविजन बना लेनी चाहिए। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? खुद का किया हुआ है ये, ना कमिटमेंट किया होता ना ऐसे फंसते। समझ आए? ना कमिटमेंट किया होता ना फंसते। पहले वाले में क्या था, कैसे फंस गए? लॉ की वजह से। तो उसको क्या बोलोगे? लीगल। और दूसरा वाला क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ? कमिटमेंट बाई एंटिटी। एंटिटी ने कमिटमेंट कर रखी है, इस वजह से उसको जो एंटिटी ने कमिटमेंट कर रखी है, तो इस वजह से जो उनको प्रोविजन बनाना पड़ेगा उसको बोलते हैं प्रोविजन। बोलो, यहां तक समझ आई बात? अब फिर से बताइए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू क्रिएट अ प्रोविजन? नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। नंबर 2, ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, ड्यू टू विच देयर इज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन बी एस्टिमेटेड ड्यू टू रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। चारों चीजें पूरी हुई तो वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में भी 2 टाइप्स, कौन कौन सा? पहला लीगल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लॉ, कंस्ट्रक्टिव मीन्स कमिटमेंट बाई एन एंटिटी। समझ आया ना? तो जिसकी वजह से भी है ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़े, ठीक है। जैसे एक आखिरी एग्जाम्पल और सुनो, ये इसमें पूरा एग्जाम्पल का खेल ही है बेटा। देखो, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है तो उससे बहुत सारा स्मोक निकलता है, तो वो एनवायरमेंट को प्रदूषित करता है। तो क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि स्मोक फिल्टर लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे? वो महंगे आते हैं और टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब मान लो किसी ने चेंज नहीं किया, गवर्नमेंट की तरफ से चेकिंग आई, तो लगा देंगे पेनल्टी। समझ आया ना? तो पेनल्टी लगा देंगे। तो ये क्या है? ड्यू टू लॉ। और जो मैंने बताया वारंटी गारंटी एंड रिफंड, ये क्या हुआ? ड्यू टू कमिटमेंट बाई एंटिटी। कोई डाउट? तो अब सुनो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। कभी भी पूछा जाए, मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आए आपसे पूछता है कि हम प्रोविजन बना सकते हैं ना कि नहीं, तो चारों चीजें चेक कर लेना। क्या क्या चेक करोगे? नंबर 1, पास्ट इवेंट्स की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जिससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो जिसको हम रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से एस्टिमेट कर सकते हैं। जब चारों है तो प्रोविजन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब याद करो जो तुम लोग को सबसे ज्यादा मिला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब सारी कंडीशन कनेक्ट करो। मैंने पास्ट में सेल करी है, क्रेडिट सेल, बोलो बेटा, जिसकी वजह से पैसे डूबने का खतरा है, तो भाई अपना ही पैसा नहीं मिलेगा तो आउटफ्लो ही तो हो गया, नेगेटिव इनफ्लो इज आउटफ्लो। समझे? मैंने पास्ट में सेल करी है तो पास्ट इवेंट्स, जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्या है? अपना ही पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या कहता है इसमें? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट, जिससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो कैसे हो रहा है बेटा? देखो, मैंने ये कैलकुलेटर अपनी जेब से पैसा लगा के बनाया, आपको उधार पे दे दिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो मेरे पैसे गए कि नहीं इसमें? समझ आए? और जिसको मैं रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर सकता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखा होता था ना 2.5% का बना लो, 10% का बना लो, 5% का बना लो, तो हो गया रीजनेबल डिग्री, तब प्रोविजन बन जाती थी। अगर ये चारों नहीं पूरा होगा तो प्रोविजन नहीं बनेगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कितने टाइप की होगी? फटाफट बोलो, कौन कौन सा? लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव, 2 टाइप की होगी, ठीक है। अब ये देखो, मैंने यहां पे लिखा इसके एग्जांपल, जैसे प्रोविजन फॉर कोर्ट केसेस अगेंस्ट फर्म, फर्म के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फर्म उसका प्रोविजन बना सकती है अगर वो चारों कंडीशन पूरी हुई। स्मोक फिल्टर वाला एग्जांपल दिया, गारंटी वारंटी वाला, और रिफंड भी एक एक्स्ट्रा दिया आपको। आगे बात समझ में? जब ये चारों पूरा होता है तो ही प्रोविजन बनती है, नहीं तो प्रोविजन नहीं बनती। आगे बढ़े, बोलो सब लोग समझ में है? इसी कीवर्ड पे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना, कीवर्ड जरूर जैसे बताया वैसे लिखना है। अब देखो बेटा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट है, मैं समझाता हूं। ये बताओ, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, सब लोग स्क्रीन पे देखिए समझिए, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में क्या जितनी प्रोविजन बनाते थे सब कंज्यूम हो जाती थी हर क्वेश्चन में, कभी कभी बच भी तो जाती थी। ऐसे याद करो, एक प्रोविजन ट्रायल में ओल्ड प्रोविजन, एक एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन, तो ओल्ड वाली कहां से बच गई? पिछले साल वाली कंज्यूम नहीं हुई तभी तो बची है। समझ आया ना? तो इसका मतलब हम जो एस्टिमेट्स लगाते हैं वो चेंज होता रहता है ना। तो यहां पे कहा गया है, जब भी प्रोविजन बनाओ तो हर साल के आखिरी में उसको रिव्यू कर लो, साल के आखिरी में रिव्यू कर लो
कि वही पोजीशन है या नहीं। जैसे मान लो मिड ऑफ द ईयर हमको लगा 5% का बैड डेट हो जाएगा, फिर ईयर एंड होते होते कुछ पैसे आ गए, अब हमको लगता है नहीं 3% का ही होगा, तो प्रोविजन कितने का बनना चाहिए? 3% का, ना कि 5% का। यू हैव टू रिव्यू द सिचुएशन। देखो क्या लिखा है, द एंटिटी शुड रिव्यू द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो के हिसाब से, मतलब जितने पैसे जाने के चांसेस हैं उसी के हिसाब से प्रोविजन अपना रिवाइज करते रहो। अगला, द एंटिटी शुड नॉट क्रिएट प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या बोला मैंने बेटा? द एंटिटी शुड नॉट क्रिएट प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग लॉसेस। सब बच्चे इधर देखो सामने, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो अब प्रोविजन किसके लिए बनता है जरा बता दो एक एक करके। पहला, पहली कंडीशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू, जिससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से, तो प्रोविजन बनेगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये जो आप पढ़ रहे हो कौन सा एएस है जरा बोलना एक बार, 29। जैसे आप लॉ में सेक्शन पढ़, जैसे किसी चीज के लॉ होता है किसी चीज के लिए, वैसे अपने अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार इंस्टीट्यूट ने बना के इशू कर दिया तो वही फाइनल हो गया। जैसे लॉ में क्या पढ़ते हो, लॉ में कहीं कमी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसको इंक्लूड करके लॉ बनता है, जानते हो ना सब लोग। तो वैसे अपने एएस में भी होता है क्या, एएस कौन बनाता है, आईसीआई में कौन है, इंसान, जहां इंसान वहां गलती, कितना सोचेंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बोलो बेटा, एक रूल आप बना रहे हो जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे लगेगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर होगा। तो क्या है, उन्होंने बना रखा है एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी, क्या बना रखा है, ठीक है, कि अगर कोई चीज एएस में छूट गई तो लोग इंस्टीट्यूट को ईमेल करते हैं कि बताओ अभी एएस में ही नहीं करें क्या इसका, तो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी अपने फैसले देती है जिसको भी एएस की तरह माना जाता है। समझ आई बात? तो अब ये जो मैंने लिखवाया ये किसने दिया है, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने। समझ आई बात? ठीक है, अब ये देखो तो क्या कहा है, पहला, हर साल के आखिरी में प्रोविजन को रिव्यू कर लोगे, कम ज्यादा हो तो ठीक कर लो। दूसरा, ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन मत बनाओ, किसके लिए ना बताओ बेटा। ठीक है, अब ये क्या कहानी है, इधर देखो मेरी तरफ। अब मान लो एक आदमी ने एएस 29 पढ़ा, इतना जितना अभी आपने पढ़ा है, अब उसने कहा हमने 2021 में बिजनेस शुरू किया था, 22 23 अब 24 चल रहा है, अब यहां है वो 24 चल रहा है उसका, तो वो कहता है ऐसा है मुझको लग रहा है मैं 24 में पैसे ढंग से कमा नहीं पाऊंगा, हो जाएगा नुकसान, तो ऐसा करते हैं उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं। क्या सोचा उसने कि हम बिजनेस ढंग से रन कर रहा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो बिजनेस में क्या होगा, घाटा होगा, क्या करें उसकी, प्रोविजन बना लें, ऐसा कोई सोच रहा है। अब मैंने इतनी कहानी क्यों सुनाई, जो बात एएस में लिख दी गई वो सबके लिए बेटा आ गई ना। तो अब ये देखो, अब मान लो कोई ऐसे सोचने लगे कि मुझे व्यापार में घाटा होगा तो मैं उस घाटे की क्या बना लूं, प्रोविजन, तो एएस 29 ने मना कर दिया। एएस ने क्या कहा, व्यापारिक घाटों के लिए, ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए यू कैनॉट क्रिएट अ प्रोविजन, ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते। और कनेक्ट भी हो रहा है उसी से, ये बताओ ये लॉस इनको कब होगा, फ्यूचर में, पास्ट में, तो ये पास्ट से कनेक्ट कहां हो रहा है भाई, अभी नहीं बिजनेस कर पा रहे हो इसलिए इस साल नुकसान हो रहा है ना, तो क्योंकि ये पास्ट इवेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है इस वजह से आप इसकी प्रोविजन नहीं बना सकते। समझ आई बात? किसकी बना सकते हो, केवल उन्हीं की जो पास्ट से कनेक्ट होंगे और फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी और इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा फ्यूचर में। अगला पढ़ो, द एंटिटी शुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोविजन एट प्रेजेंट वैल्यू। कल ये पढ़ाया था रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, डीए ग्रेच्युटी, कल ये बात बताई थी, जब कोई रिटायर होता है तब उसको ग्रेच्युटी और पीएफ दिया जाता है, और उसकी तैयारी कंपनी कब करती है, आज, तो वो किस पे लिखा जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू पे, किस पे लिखा जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू पे। थोड़ा एक एग्जांपल और ले रहा हूं, अगर ज्यादा टेक्निकल होगा तो बताना, थोड़ा इजी कर देंगे। देखो बेटा, एएस 10 किसको डील करता है, कौन बताएगा, एएस 10 का नाम, एएस 10 का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड, अब वो कहता है मशीन खरीदने की एंट्री, सब बच्चे बताओ क्या होगी,
मशीन अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री होगी, ये आपने आज तक पढ़ी है, ठीक है। ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखिए, सुनिए बात, देखो। अब वो कहता है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश तो एंट्री होगी, लेकिन यहां पैसा भी तो लिखा जाएगा। बोलो बेटा, पैसा भी लिखा जाएगा ना। अब AS 10 में क्या लिखा है, पैसा क्या लिखेंगे, खूब ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा चलेगा। देखो उन्होंने कहा पैसा क्या लिखा जाएगा, पैसा ये लिखा जाएगा। देखो जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल लें, तो उसके लिए चाहिए मशीन। अब वो मशीन की कोई शॉप होती नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में चेक किया कौन कौन उसके मैन्युफैक्चरर हैं, कौन हमारी समस्या को सुलझा के वैसी मशीन बना देगा। तो क्या होगा, एक डेलीगेशन बनाओगे, चार पांच लोग जाएंगे, घूम घूम के बात करेंगे। बोलो बेटा, कुछ खर्चा होगा उसमें। अब उसमें मान लो जापान की टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, तो वहां उनको ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया, उन्होंने मशीन बना के तैयार कर दी। अच्छा, अब मशीन हमने वहां से जब ऑर्डर दिया तो कुछ पैसे दिए होंगे एडवांस में, वो आएगा, देखते जाना। प्लस उन्होंने कहा बन के तैयार हो गई है, जाओगे कुछ और पेमेंट करोगे फाइनल मशीन वाली, वो भी आएगा। अब क्या हुआ, उनको पेमेंट कर दिया। हो सकता है जब वहां से जापान की मशीन हम लोग इंपोर्ट करें तो सरकार वहां की कोई टैक्स वैक्स ले ले, बोलिए, तो वो जो टैक्स है सरकार का वो भी आएगा। अब वहां से मशीन निकल पड़ी, तो वहां से क्या करोगे, लोड कराओगे मशीन। बोलो बेटा, लोड कराया तो वो जो लोडिंग चार्जेस हैं वो आ गए, उसको लेके शिप तक आए, शिप पे फिर से अनलोड कराया, फिर शिप पे रीलोड कराया, फिर फ्रेट लगा, फिर इंडिया में लेके आए, अनलोड कराया, उसके चार्जेस, यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग गई, उसके चार्जेस, फिर वो मशीन कहां आई, हमारे कारखाने तक, उसके चार्जेस, समझते जाना। फिर क्या होगा, देखो मशीन कारखाने पे आ गया, पता चला मशीन को लगाने के लिए 45 डिग्री का स्लोप चाहिए, तो वो स्लोप बनाने का खर्चा। फिर मशीन बाहर से आई है तो इंस्टॉल करने वाले भी बाहर से आएंगे, उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा। मशीन लग के तैयार है, अब उसका ट्रायल एंड रन होगा, क्या होगा, ठीक चल रही है कि नहीं, ट्रायल एंड रन का खर्चा, ये सब जोड़ के तब यहां लिखा जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आई बात। और एक आखिरी जिसके लिए मैं बता रहा हूं, अब सुनो, बताओ मशीन यहां खरीदी, मान लो कंपनी कहती है ये 10 साल चलेगी, तो अब बताओ अगर हमें काम वही करना है तो 10 साल बाद वी नीड अ न्यू मशीन, बोलो, तो अब क्या होगा, पुरानी मशीन अनइंस्टॉल होगी और नई मशीन रीइंस्टॉल हो जाएगी। तो जब पुरानी मशीन अनइंस्टॉल होगी तो इंस्टॉल करने आए थे जापान से इंजीनियर, तो अनइंस्टॉल करने भी तो वही आएंगे, समझ आए। तो हम उनसे पूछ लेते हैं, बताओ 10 साल बाद आओगे तो उसके कितने पैसे लोगे, एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बताओ। जैसे मान लो उन्होंने कहा 5 लाख रुपए लेंगे अनइंस्टॉल करने का, तो अब बताओ एंट्री हमें आज ही करनी है, तो कहा जाता है इस 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लें, अब फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+rate/100 टू द पावर n। तो हम क्या करेंगे, ये फ्यूचर में लगेगा, तो यहां लिखेंगे 5 लाख और इसको डिवाइड कर देंगे 1+ जो भी इन्फ्लेशन चल रहा होगा, मान लो 10% का चल रहा है 100, सॉल्व कर लेंगे जो निकल के आएगा, ये वैल्यू भी इसी में आएगी, ये वैल्यू भी इसी में आएगी, और एंट्री ये बनती है, देखना ध्यान से सुनिएगा, एंट्री ये बनेगी। जैसे मान लो 20 लाख की मशीन है, तो 20 लाख तो ये हो गया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, 5 लाख वो लोग लेंगे अनइंस्टॉल करने में, 5 लाख लेंगे, और मान लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख आती है, मान लो प्रेजेंट वैल्यू, तो वो 2 यही ऐड हो जाएगा, मशीन कितने से डेबिट होगी, 22 लाख से, किससे, और फिर 20 लाख होगा कैश, और यहां लिखा जाएगा 2 प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट, क्या लिखा जाएगा, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग मतलब अनइंस्टॉल करने का, उसका प्रोविजन आज ही बना लिया जाएगा। अब प्रोविजन ही आप पढ़ रहे हो, आज मशीन खरीदी है, पास्ट इवेंट हुआ जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा फ्यूचर में, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट होगा, तो क्या करेंगे, उसकी प्रोविजन बना ली जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये देखो बेटा, यहां पे लिखा है, अब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन हुई, क्या हुई भाई, 10 साल बाद पैसा चाहिए ना हटाने के लिए, प्रोविजन का जनरली नेचर कैसा होता है, शॉर्ट टर्म। लेकिन अब जब कंपनी वाली बैलेंस शीट पढ़ते हो तो 2 टाइप के प्रोविजन आते हैं ना, वन इज लॉन्ग टर्म, अनदर वन इज शॉर्ट टर्म।
तो लॉन्ग टर्म अगर कोई प्रोविजन है तो वो किस पे बनाओगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, समझ में है? और क्या लिखा है? द एंटिटी शुड प्रोवाइड ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ चलो अब ये भी सुन लो, द एंटिटी शुड प्रोवाइड फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। क्या लिखा है बेटा? द एंटिटी शुड प्रोवाइड फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। खूब ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। अगर कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए प्रोविजन पक्का बनाना होगा। पहली कंडीशन क्या थी? हर साल की आखिरी में प्रोविजन को रिव्यू करेंगे, बोलो बेटा। दूसरी क्या थी? ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तीसरा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को किस पे बनाओगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। चौथा, अगर कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए प्रोविजन हमेशा बनाना ही होगा। अगर कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए प्रोविजन हमेशा बनाना होगा। समझ आई बात? अब सुनो, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सब लोग स्क्रीन पे देखिए, देखो यहां पे, ये बताओ बेटा, कस्टमर को माल किससे मिलता है? रीटेलर से। किससे? रीटेलर को किससे मिलता है? होलसेलर के। होलसेलर को किससे मिलता है? मैन्युफैक्चरर के मिलता है। अब ये बताओ, किसी एक माल को बनाने वाले कई मैन्युफैक्चरर, मतलब कई कंपनी, एक ही प्रोडक्ट, कोई एक चीज आपको लेनी है तो उसको बनाने वाले कई लोग होते हैं ना, किसी का ज्यादा चलता है किसी का कम चलता है? जवाब दो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब देखो, जैसे बेटा मान लो, मतलब ये केस है, केस स्टडी है, वही बता रहा हूं। देखो, एक टाइम पे बेटा नोकिया का मोबाइल बहुत ज्यादा बिकता था, तो नोकिया का मोबाइल आया होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से किसके पास आया? कस्टमर के पास। अब ये बताओ, मार्केट में माल मूव कहां से कर रहा है? होलसेलर से। बताओ, कंपनी तो बेचेगी ही बेचेगी, वो बना रही है, बाकी मार्केट में कौन उसको मूव करा रहा है? होलसेलर। अच्छा, अब नोकिया वाले क्या करते थे? होलसेलर को कमीशन बहुत कम देते थे, समझाए? वो कहते थे कोई तुम्हारी दुकान पे नहीं आता, हमारा मोबाइल खरीदने आता है, जिस दुकान में रखवाएंगे वहीं बिक जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या हुआ बेटा, अब ऐसे में इंडिया में एंट्री करी ओप्पो वीवो ने, ओप्पो वीवो ने एंट्री करी। अब मोबाइल ये भी बनाता था, तो मोबाइल ये भी बनाते थे। अब इन्होंने पहले इसी को पकड़ा, इनसे कहा पहले इसका स्टॉक ब्लॉक करो, ये कितना कमीशन देता है? इसने कहा मान लो 3%, तो ये कहते हैं 6% इसका और 8% इसका, ये हम दोनों ब्रांड पे ये कमीशन देंगे, लेकिन आगे माल हमारा ही सर्कुलेट होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? अब बताओ, अब होलसेलर क्या करेगा? रोकेगा ना, ब्लॉक करेगा। और क्या होगा, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो भाई जरूरत होती है तब खरीदने जाते हैं ना, तो जो रहेगा वो लेके आएंगे, कौन वेट करेगा? समझ पा रहे हो? तो अब क्या होगा, इनका माल रोक देगा और इनका बिकेगा। लेकिन अब होलसेलर भी चालाक होता है, होलसेलर कहता है ये बताओ, ठीक है तुम 6% और 8% का कमीशन दोगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा माल अगर हम रख लें तो खरीदेगा कौन? खरीदार किसके हैं? नोकिया के। बोलो बेटा, कोई कस्टमर बेस नहीं है, कैसे हम तुम्हारा माल रख लें? तो वो कहते हैं नोकिया के कितने पीस बेचते हो? मान लो उसने कहा 10,000, तो ये लोग कहेंगे हमने मार्केट में रिसर्च किया है, हमारे 20,000 पीस बिकेंगे। कितने? 20,000 पीस बिकेंगे। ऑन एन एवरेज मान लो एक पीस अगर 15,000 का भी है तो भी तुम्हें 6 और 8 का एवरेज निकाल लें तो 7% का कमीशन मिलेगा, उससे कहेंगे। बोलो यहां तक समझ आ रही है? अब यहां आ रहा है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखना, अब वो कहेगा ये बताओ कहां से सर्वे कराया है, कैसे हम मान लें कि 20,000 तुम्हारे बिक जाएंगे? समझ आए? बोलेगा कि नहीं? तो वो कहेंगे ऐसा है, बिके चाहे मत बिके, तुमको 20,000 मोबाइल का कमीशन देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आई बात समझ में? कहेंगे चाहे बिकेगा चाहे नहीं बिकेगा, तुमको कमीशन 20,000 का देंगे। अब माल रखेगा कि नहीं रखेगा? और ये भी कंफर्म है कि हमें 20,000 का कमीशन देना पड़ेगा। बोलो बेटा, इसी को बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? अब बताओ, अब ये पैसा देना पड़ेगा तो इसकी प्रोविजन इसका पहले ही बना लेना चाहिए। ऐसा बोलता है कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। समझ आए? ये दिस इज अ काइंड ऑफ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट 2, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी।
कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लिखिए, एज पर द प्रोविजन द एंटिटी should not required to provide any amount for these liability these liabilities should be disclosed in notes to accounts only. Notes to accounts only. First point है ये. Second point में लिखिए. As per accounting standard 29, contingent liability is also a present obligation due to past event but probability of outflow is very low and hence no reliable estimate for it. Bracket में लिखना less than likely to occur. Less than likely to occur. Third point में लिखिए. There may be a court case which is at initial stage due to which reliable estimate may not be possible is example of contingent liability. चलो कॉपी कर लिया. अब ये देखो बेटा, हमने अभी तक पढ़ा प्रोविजन और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है. तो पहले ही बता दिया था, वही चीज पढ़ना है डिटेल में. बोलो प्रोविजन में क्या क्या चार कंडीशन थी. पहला, देयर शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स ड्यू टू विच देयर इज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज which can be estimated by reasonable degree of accuracy. जब ये होगा तो क्या करते थे, प्रोविजन बनाते थे.
अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, पास्ट इवेंट हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो, लेकिन रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। और जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आएगा कितना, तो कैसे उसको लिखोगे बुक्स में? तो बुक्स में नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में। समझ आया? देखिए क्या लिखा है यहां, लिखा एज पर द प्रोविजन एंटिटी शुड नॉट रिक्वायर टू प्रोवाइड एनी अमाउंट फॉर दीज लाइबिलिटीज शुड बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स एज पर AS 29। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट बच प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज वेरी लो हेंस नॉट रिलायबल एस्टिमेट फॉर इट। मतलब जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो तो होगा, लेकिन उसको हम रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। ठीक है, उसको टेक्निकली ऐसे लिखते हैं, लेस देन लाइकली टू ऑकर। क्या लिखते हैं? लेस देन लाइकली टू ऑकर। और ये देखो यहां लिखा था लाइकली टू ऑकर, प्रोविजन में क्या लिखा था? लाइकली टू ऑकर मतलब उसके चांसेस ज्यादा हैं, और लेस देन लाइकली का मतलब उसके चांसेस बहुत कम है, तो उसको हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखवा दिया कि जैसे मान लो किसी कस्टमर ने किसी कंपनी पे कोई कोर्ट केस कर दिया, कंपनी फाइट तो कर रही है, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे कंपनी को पता है कि कंपनी ही हारेगी, कंपनी वहां पे गलत है, लेकिन अब कितना पैसा देना पड़ेगा वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मान के कहाँ लिखना चाहिए? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में। ठीक है, अब देखो जैसे केस का पहला दिन है तो कहाँ लिखा? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्लियर होता चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रोविजन। फिर जिस दिन जज साहब का फैसला आ गया, उस दिन कंफर्म हो गया, तो बन गया लाइबिलिटी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी। समझ आए? अगली हेडिंग कॉन्टिंजेंट एसेट कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 3 कॉन्टिंजेंट एसेट। लिखिए एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कॉन्टिंजेंट एसेट आर एक्सपेक्टेड इनफ्लो और गेन्स इन फ्यूचर दीज प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकग्नाइज इन अकाउंट और डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस ठीक है, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। अब बताओ प्रोविजन कहां लिखते थे? प्रोविजन कहां लिखते हो? प्रोविजन कहां लिखते हो? पीएल में कहां लिखते हो? प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कोई सी भी हो, डेप्रिसिएशन वाली छोड़ के। समझ आए? अब बताओ फिर से प्रोविजन कहां लिखते हो? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स में, और कॉन्टिंजेंट एसेट कहीं नहीं लिखते। कहां लिखते हैं? कहीं नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कल पढ़ा था प्रूडेंट कंसेप्ट, क्या उसमें पढ़ा था? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकग्नाइज फ्यूचर इनकम। कॉन्टिंजेंट एसेट क्या है?
कंपनी का किसी से केस चल रहा है, कंपनी को पता है जीत जाएगी कंपनी, लेकिन रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा AS कहता है कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, पैसा जब मिल जाएगा तब लिखना, फ्यूचर इनकम को रिकग्नाइज मत करो ना उसको एस्टिमेट करो। समझ आई बात? इस वजह से कॉन्टिंजेंट एसेट कहीं नहीं लिखा जाता, न तो नोट्स टू अकाउंट्स में, न PL में, कहीं भी नहीं। समझ आई बात? तो अब एक तरीके से समझ सकते हो कि कॉन्टिंजेंट एसेट का कंसेप्ट ही नहीं होता। कौन इसको नेग्लिफाई कर रहा है? प्रूडेंट कंसेप्ट। क्या लिखा है उसमें? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकग्नाइज फ्यूचर इनकम। और कॉन्टिंजेंट एसेट है क्या? फ्यूचर इनकम ही तो है, तो हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या था? गोइंग कंसर्न और अक्रूवल और कंसिस्टेंसी, पढ़ा था। तो अगर आप इसको लिख लोगे तो आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को ही डिसओबे कर रहे हो, क्योंकि उसका पहला नंबर प्रूडेंस ही है। समझाए? तो कॉन्टिंजेंट एसेट कहीं नहीं लिखा जाएगा। बताओ प्रोविजन कब कब बनाओगे? जब क्या क्या कंडीशन हो। पहला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, जिससे क्या हो रहा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। तो ये क्या है, लेस देन लाइकली या लाइकली टू ऑकर? लाइकली टू ऑकर, ठीक है, तब हम इसकी प्रोविजन बनाएंगे। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कितने टाइप की होगी, कौन कौन सा? लीगल मीन्स बाय लॉज, और कंस्ट्रक्टिव मीन्स कमिटमेंट बाय एंटिटी, ठीक है। तो प्रोविजन बनेगा। अब अगर प्रोविजन की कंडीशन में रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गई? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कहां दिखाओगे उसको? बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। कंपनी वाले में नोट्स टू अकाउंट बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटर या और किसी का होगा तो बस नीचे नोट बना के दिखा देंगे, उसमें तो नोट्स टू अकाउंट बनता नहीं, ठीक है। अब कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है? पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट में कुछ ऐसा लग रहा है कि भविष्य में हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो होगा, तो उसी को क्या बोलोगे? कॉन्टिंजेंट एसेट। अरे उसी डेफिनेशन को उल्टा कर दो ना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वाले को। लाइबिलिटी वाले में क्या था? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो। इसमें क्या होगा? जिसको हम रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ या कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें अंदाजा है कि कुछ ना कुछ होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट एसेट। लेकिन क्यों नहीं लिखोगे? बिकॉज ऑफ प्रूडेंट कंसेप्ट। अब प्रूडेंट कंसेप्ट क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, उसी पे पूरा अकाउंट टिका हुआ है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। समझ आई बात? तो ये चैप्टर खत्म हुआ बेटा। अब हम लोग करेंगे बोनस राइट। चलो जो लोग बोनस राइट पढ़ रहे थे वो लोग रुको पढ़ो, जो लोग नहीं पढ़ रहे थे तो जाओ।